दोस्तों, फुकरा इंसान अपने फैंस से कितना प्यार करते हैं ये तो हम सभी जानते ही हैं, क्योंकि घर के अंदर रहते हुए कई बार उन्होंने अपने फैंस और अपनी पांडा गैंग का काफ़ी ज़्यादा जिक्र किया है। और वो घर के अंदर कोई भी काम करते हैं तो उनको पांडा गैंग का काफ़ी डर सताता है। कहीं उनको ये डर लगता है कि मेरे फैंस को मेरी कुछ हरकतें बुरी ना लग जाए। और दोस्तों, कहीं ना कहीं वो अपने फैंस को एक हिंट दे रहे हैं, जिसकी वजह से ये पता चल रहा है कि वो अपने पांडा गैंग से कितना प्यार करते हैं। तभी तो दोस्तों, जब से घर के अंदर टास्क ख़त्म हुआ है तभी से फुकरा इंसान पांडा वाले टेडी को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। और आपने नोटिस किया होगा कि जैसे ही टास्क शुरू हुआ तो फुकरा इंसान ने सबसे पहला जो टॉय यहाँ पर एल्विस से ख़रीदा था वो कोई और नहीं बल्कि पांडा का ही टॉय था। जी हाँ दोस्तों, वो इतना प्यार करते हैं अपने फैंस से। और इस समय बिग बॉस के लाइव फीड में यहाँ पर फुकरा इंसान और एल्विस यादव उसी पांडा के बारे में बात कर रहे हैं। और फुकरा इंसान से एल्विस ने कहा कि ये पांडा मुझे दिखा। और इस दौरान वो उस पांडा को देखकर कहने लगे कि इसकी शक्ल देख कितनी बुरी लग रही है, कितना भयानक डरावना लग रहा है। लेकिन फुकरा इंसान ने कहा कि तू पागल है क्या, कितना क्यूट लग रहा है, यूं बोल, ये ना मेरे फैंस हैं, ये पांडा गैंग, मेरे फैंस का नाम भी पांडा गैंग है, इसलिए मैंने ये टॉय रखा हुआ है। और दोस्तों, आपको बता दें कि जब से टास्क ख़त्म हुआ है तभी से वो इस पांडा वाले टेडी को अपने बच्चे की तरह, छोटे बच्चे की तरह अपने पास में संभाल कर रख रखे हैं और अपने कपड़ों में डालकर घूम रहे हैं। हालांकि दुख इस बात का है कि बिग बॉस ये पांडा जो है वो फुकरा इंसान के पास में नहीं रहने देंगे। कुछ इस समय बाद जब टास्क का सामान वापस मांगेंगे उस दौरान ये पांडा भी फुकरा इंसान से वापस छीन लिया जाएगा। फिलहाल यदि आप भी फुकरा इंसान से प्यार करते हैं उनके फैंस की तरह, तो आप भी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।